इसको सीधा करो जैसे था ये ऐसे बांधना था मुझे क्यों हाँ थोड़ा टाइट करो खींचो ठीक है वापस ले जाओ वहीं पे वापस इस महादेव का नाम लेके हम लोग निकल चुके हैं खारदुंगला पास की ओर जिसको वर्ल्ड का हाईएस्ट पास बोलते तो है बट वो अप्रेंटली एक टाइम पे था बट वो नहीं है बट तब भी वो बहुत हाईएस्ट है तो मेरा तो मतलब स्पीति के बाद ये सेकेंड एक्सपीरियंस होने वाला है लेट्स सी कैसा होता है अभी जा रहा हूँ मैं पेट्रोल फिल कराने काफ़ी सामान हो गया है मेरे बाइक में एक्चुअली मेरे पास कैमरा का भी बैग आ गया है काफ़ी बड़ा और उसके साथ साथ मेरे पीछे मेरा कपड़ों का बैग और सब है तो बहुत ज़्यादा ढलान पर डिफ़िकल्ट होता है तो चलाना क्योंकि मेरी हाइट भी ज़्यादा है तो ठीक है कोई बात नहीं मैनेज कर लेंगे अभी तो पेट्रोल बन जाए पेट्रोल भरा सो गाइस अभी हम लोग खारदुंगला के रास्ते पे हैं खारदुंगला के लिए निकले और साउथ पुल्लू से 7 किलोमीटर दूर हमने यहाँ अपनी बाइक पार्क करी है और यहाँ हम आए हैं बहुत ही अच्छा व्यू देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ है बट स्टिल ये अभी एक फकअप हो गया छोटा सा मतलब यार गोप्रो मुझे इतना क्लियर दिखता तो है नहीं हेलमेट पे जब हम लोग लेह से निकले थे तो शुरू के 6-7 किलोमीटर जितना भी मैंने शूट किया था वो हुआ क्या ना वो मोड चेंज होकर के वो टाइम रैप हो गया बट नेवर द लेस अभी तो पहुँचे नहीं है अभी समझ लो हम लोग व्यू पॉइंट में रुके थे व्यू पॉइंट के बाद बस साउथ कुल्लू आने वाला है 6-7 किलोमीटर में उसके बाद खारदुंगला आएगा तो अभी तो है अभी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में इन्फॉर्मेशन दी थी पर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ तो मैं फिर बता दूँ आपको कि अगर आप अपनी बाइक ला रहे हो लेह में तो प्रॉपर पेपर्स के साथ लाना किसी की भी ला रहे हो प्रॉपर पेपर्स के साथ लाना और आप हिमाचल या श्रीनगर कहीं से बाइक रेंट करोगे तो आप उसको लेह लद्दाख में नहीं चला सकते हो बिकॉज यहाँ पे नहीं अलाउड है यहाँ पे आपसे नीचे ही साउथ कुल्लू आने से नीचे ही लेह में ही आपसे ब्लू चिट मांगेंगे नीली पर्ची जो आपको बाइक वाले प्रोवाइड करेंगे अगर आप बाइक रेंट कर रहे हो तो आपको वो ब्लू चिट उनको दिखानी पड़ेगी सो दिस इज़ द सीन और बाकी तो अभी तक के कुछ है नहीं सब तो सही चल रहा है और हाँ एक अपडेट ये है कि बाइक्स का इशू चल रहा था तो अभी मैंने चेंज तो करी है टॉप मॉडल 350 का ही मुझे मिला है चलो कोई नहीं ये भी एक एडवेंचर है खारदुंगला 19 साउथ कुल्लू 5 तो एक यार मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि 350cc को मैं नूबरा और पैंगोंग लेके जा रहा हूँ बट कोई ना यार कर लेंगे साउथ कुल्लू पहुँच गए और आपको शायद अभी दिख रही हो या ना हो सामने काफ़ी ही ज़्यादा लाइन है पैटिंग परमिट वाली लाइन है तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ अगर आप नूबरा वैली पैंगोंग या जानसकर कहीं पर भी जाना चाहते हो तो आपको पहले एक परमिट लेना पड़ेगा ये आप ऑफलाइन भी ले सकते हो ऑनलाइन भी ले सकते हो हमने ऑनलाइन लिया हमने कुछ 1600 के आसपास पे किया था तो आपको दिखा देता हूँ परमिट दिखता कैसा ये आपका परमिट होता है ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ले लद्दाख तो हमने ये ऑनलाइन इशू किया था हम लोग के 3 लोगों का नाम है हम लोग ने टोटल कितना पे किया था मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ जिसमें अमाउंट है ये 1680 तो इसमें जो जगह थी हमारी हमने मोस्टली सारी जगह का लिया जानसकर छोड़ करके और करीब 6 या 7 दिन के आसपास का परमिट लिया था झूले परमिट दिखाना ना आपको दो बंदे सर हम लोग 3 बंदे ये देखो आप PDF दो गाड़ी है परमिट ले चुके हैं अब हम आगे जा रहे हैं नूबरा की तरफ
चलो फिर चलते हैं। अब खारदुंगला 14 किलोमीटर है, हम लोग ने परमिट एडमिट कर लिया। यार मैं पता है कितना, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं चीज़ें बहुत भूल रहा हूँ। अभी मैंने अपना फ़ोन परमिट ऑफिस में भूल गया था, मैं वो लोग ने वापस कर दिया, वो मान नहीं रहे थे कि आपका फ़ोन है कि आप बताओ। मैंने कहा मैं फेस आईडी से खोल के दिखा दूँ, इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा, चेहरा पहचान ले रहा है फ़ोन। जो भी हो यार, दो चीज़ें मैं अभी तक के घुमा चुका हूँ, मैं बिना सनग्लासेस के इसलिए घूम रहा हूँ, हेलमेट में फ़ोटोज इसलिए खिंचवा रहा हूँ क्योंकि मैंने आते वक्त बहुत ही महंगे सनग्लासेस खरीदे थे, बट मेरे एब्सेंस ऑफ माइंड के कारण या कह सकते ओवर एक्साइटमेंट के कारण मैंने वो सनग्लासेस किसी जगह पे खो दिए। एंड सेम गोज फॉर एटीएम कार्ड, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। अब ये फ़ोन का झटका तो मैं नहीं झेल पाता, आईफोन का, बट चलो मिल गया वापस। एट लास्ट हम खारदुंगला पास पहुंच चुके हैं, ये सामने आपको बोर्ड दिख रहा होगा खारदुंगला पास का। सो यार यहाँ पे इस समय तो बहुत रश है, बहुत सारे लोग हैं, बट स्टिल देखते ही हम कुछ फोटोज पिक्चर्स क्लिक करा के फिर आगे निकलेंगे नूबरा के लिए। खारदुंगला पास में फर्दी की इतनी भीड़ देखने के बाद, और इन दोनों ने ये काली बर्फ के साथ, ए सफेद थी बर्फ, ऊपर गए थे हम लोग, तो ऊपर का हिमालय चले गए थे, यही बर्फ थी, इसी से खेल लेते हैं हम लोग ने सफेद बर्फ के साथ एंजॉय किया। खारदुंगला से हम निकल रहे हैं, सो वी आर हेडिंग टू नूबरा। बहुत भीड़ थी, कुछ खास मज़ा नहीं आया, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो 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 नूबरा की तरफ जा रहे हैं हम लोग, बिना पैर रखे गाड़ी निकालना यही मोटिव है मेरा, मुझे अपने जूते नहीं गिले करने। ये एक्चुअली ये जो ब्लैक आइस है ये पिघल रही है इस समय, अभी देखिए इतना पानी आ कहाँ से रहा है। एक्चुअली जो ये बर्फ़ है, ये ऊपर की बर्फ़ दोपहर होते होते गलने लगती है, तो ये उसी का रीज़न है कि इतनी ज़्यादा यहाँ पे पानी आ रहा है। भाई पानी हमें गिराओ हमारे ऊपर। अरे बाबा रे, अरे क्या कर रही हूँ, मैं मारूंगा पानी में। अरे यार ये ट्रेवलर वाले यार, पूरा पूरा पैंट गीली करके चला गया। और ये आया एक बड़ा वाटर पास, ये एक बड़ा वाटर पास है, कोशिश पूरी है कि पैर ना उतारना पड़े। नहीं उतारा, निकाल लिया भैया गाड़ी बिना पैर उतारे। तो गाइस अभी हम लोग वो बहुत ही डीप वाटर पास था उसको हमने क्रॉस किया। मेरे जूते गीले हो गए बिकॉज मेरे पैर नीचे रखने पड़े, पैर इसलिए नीचे रखने पड़े क्योंकि मेरे पीछे जो बैग बताया इट्स अराउंड 20-25 kg, वो बैग हिल रहा था थोड़ा सा, एंड मेरे आगे जो बैग मैंने कैमरे के लिया हुआ है इट्स अराउंड 10-12 kg, सो फक्ड अप भारी था वो। तो यार वो ये ना कि आगे पीछे वेट इतना था, बहुत आराम से क्रॉस किया, बट वही है ना कि जूते उतारने पड़ गए। हम लोग खारदुंगला क्रॉस करे कुछ 20-25 किलोमीटर हो गए हैं या ज़्यादा ही हो गया, तो हम लोग नॉर्थ भी पहुँचने वाले हैं। अब यहाँ पे तो सही काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिख रही है,
तो अभी अप्रेंटली हम लोग नॉर्थ कुल्लू पहुँचने वाले हैं और यहाँ से नूबरा तो स्टार्ट ही हो गया वैली, बट ऑल दो जहाँ पर हमको जाना है दिस्कित मोनेस्ट्री दैट्स अराउंड 75 किलोमीटर्स हमको अभी और जाना है। गाइस हम लोग नॉर्थ कुल्लू पहुँच चुके हैं, अब थोड़ी देर यहाँ पे बाइक लगाएंगे, देखते कुछ खाने वाने का क्या सीन है नॉर्थ कुल्लू में, फिर तो उसके बाद 70 किलोमीटर्स का और स्ट्रेच करना है, देखते हैं अब आगे क्या होता है। काफ़ी सारी जगह है खाने के लिए, तो गाइस अभी हम लोग यहाँ आए हुए हैं, सचिन भाई सुमित अभी आपको व्यू दिखाएंगे उधर का। अभी अपेरेंटली बहुत तेज भूख लगी थी इसे मैं तो आधा ब्रेड ऑमलेट खा गया, मैंने मैगी भी ऑर्डर दे दी है, चाय भी आ गई है, तो अभी तो ये नाश्ता ही कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद आपको यार नॉर्थ कुल्लू का व्यू दिखाते हैं। देख सकते हो कितना अमेजिंग व्यू है ये, मैंने अपनी बाइक यहाँ पे लगाई है, कुछ शॉट्स लेंगे कुछ फोटोज लेंगे, हमने यहाँ पे ड्रोन फ्लाई किया, टाइम लैप्स बनाया और भी बहुत सारी चीज़ें करी है। अब एक लास्ट बस यहाँ पे बाइक के साथ एक फ़ोटो लेनी है फिर हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा लेट हो गया है बट नो वरीज, हम यही करने आए थे। लीविंग नॉर्थ कुल्लू अराउंड आगे जा रहे हैं बिस्किट मॉनेस्ट्री की तरफ, तो देखते हैं कि बिस्किट मॉनेस्ट्री पहुँचते पहुँचते अंधेरा ना हो जाए, अगर अंधेरा हो गया तो सीधा हुंदर जाएंगे हम लोग, हुंदर में स्टे ले लेंगे और मॉर्निंग में बिस्किट वापस आएंगे, देखते हैं क्या होता है। हम लोग ने यहाँ पे काफ़ी टाइम यूटिलाइजेशन ही कहूँगा, वेस्ट तो नहीं कहूँगा क्योंकि हम लोग ने काफ़ी अच्छे फोटोज़ वीडियोज़ टाइम लैप्स ये सब चीज़ें ली है, सो ठीक है वी कीप यू अपडेटेड। ये बहुत ही एक अमेजिंग व्यू दिखा है, बहुत ही प्यारा व्यू है यार, मैं क्या करूँ, मैं व्यूज़ देखने के बाद ना अपने आप को रोक नहीं पाता, गाड़ी रोक ही देता हूँ यार, मैं राइडर नहीं मैं पहले फोटोग्राफर हूँ, सो इतना तो बनता है। बहुत धूल है, बहुत ही ज़्यादा धूल, बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब, इतने पत्थर है इसमें, मेरे हाथ की बैंड बज गई बाइक संभालते संभालते। हमने जो है ये नूबरा वैली के पहाड़ है, थोड़े थोड़े से पर्पल शेड आते हैं इसके ऊपर, अपने इमेजेस में देखा होगा, ये सामने नूबरा वैली के सारे पहाड़ हैं। अभी भी हमको पहुंचने में ऐसा लग रहा है कि पहाड़ मतलब नज़दीक है बट वो है नहीं, और ये रोड बहुत ख़राब है, बहुत ही ख़राब, तो समझ लीजिए आपकी अभी हमें बिस्किट तो लगता नहीं कि आज हो पाएगा, पर बिस्किट पहुंचने में ही 1 से 1.5 घंटा आई थिंक तो लगेगा ही, 1 घंटा तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा, और उसके बाद अगर अंधेरा होने लगता है तो हम अंदर चले जाएंगे क्योंकि हमारा स्टे जो होगा वो अंदर पे ही होगा। ये थोड़े मतलब नस्ता है, काफ़ी टाइम बाद नया मंगाना शुरू करा है मैंने थोड़ा, अरे यार मैं अपनी बातों को वापस लेता हूँ, कोई मक्खन नहीं है, ये मक्खन नहीं हो सकता, ये मक्खन है, हाँ दिखना शुरू हो गई है पूरी नूबरा वैली,
गाइस खारदुंग विलेज है, अभी हम लोग पहुँचे नहीं हैं बिस्किट मॉनेस्ट्री, पहले ये विलेज पड़ता है खारदुंग। जो यहाँ विलेज देख पा रहे हो ये खारदुंग विलेज है पूरा, बहुत ही सुंदर है। बिस्किट पहुंच चुके हैं, काफ़ी मतलब शाम हो गई है, 7 बजे से ज़्यादा हो रहा है, बट कोई ना, हम बिस्किट पहुंच चुके हैं। आज कुछ कर तो नहीं पाएंगे हम लोग, शायद यहाँ 5-10 मिनट रुकेंगे और उसके बाद अंदर चले जाएंगे, क्योंकि हमने स्टे भी नहीं किया है, हमको स्टे ढूंढना है अपना। लोग यहाँ पे भी ड्रोन उड़ाने का सोच रहे थे, बट एयर स्पीड इज़ टू फास्ट, मतलब अभी हवा बहुत तेज़ चल रही है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि मैं अगर ऐसे नॉर्मल अपने आप को फ्री छोड़ दूँ, मेरा सर इधर उधर होने लगे, हवा इतनी तेज़ है। अभी तो नहीं, ड्रोन तो नहीं ही उड़ा पाएंगे। हम लोग बिस्किट पहुंच चुके हैं, इसके जस्ट पीछे 2 किलोमीटर दूर, 2 से 3 किलोमीटर दूर है बिस्किट मॉनेस्ट्री। तो यार मेरे दिमाग में अभी एक आइडिया आया है, पता नहीं आइडिया सक्सेसफुल होगा कि नहीं। मैं सोच रहा था क्यों ना हम मॉनेस्ट्री में स्टे का पता करें, अगर मिल जाए तो हमको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मॉर्निंग में हम मॉनेस्ट्री से ही, मॉनेस्ट्री में ही मॉनेस्ट्री के पिक्चर्स एंड ऑल सब लेने के बाद हम आराम से उंदर जा कर के, उंदर इज़ 9 किलोमीटर होंगी, 9 to 10 किलोमीटर, तो आधे घंटे लगेगा जाने में, आधा घंटा लगेगा आने में, तो आराम से कर सकते हैं। चलिए देखिए ट्राई करते हैं। क्या आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, बुद्ध की स्टैचू तो बहुत फेमस है, बहुत बड़ी बुद्ध की स्टैचू ऊपर है। गाइस हम लोग बिस्किट मॉनेस्ट्री पहुंच चुके हैं, अब देखते हैं आगे क्या करना है, स्टे का क्या सीन है। और जुले जुले हम लोग तो है 3 लोग, बट आप ये बताओ स्टे का कुछ है क्या मॉनेस्ट्री में? मॉनेस्ट्री में स्टे तो है वहाँ, मगर यहाँ पे लामा जी को बोलना है स्टे, आप लोग देख लीजिए। हम लोग पहले हुंडर में रहने वाले थे, फिर लास्ट मोमेंट मेरे दिमाग में आइडिया आया क्यों ना हम लोग मॉनेस्ट्री में ही रुक जाए। देख सकते हो मॉनेस्ट्री, आप बुद्ध की स्टैचू दिख रही है, तो मॉनेस्ट्री में ही रुक गए, क्योंकि मेरा मन है कि सुबह सुबह कुछ अगर मिल जाए मॉन्क्स का कुछ शॉर्ट्स वगैरह। ये हमारा स्टे है। ये कैसे सो रहे हो सब? व्लॉगिंग हो रही है, ये सब सो रहे हैं भाई। ये हमारा स्टे है, बाहर आप सनसेट देखो कितना ज़बरदस्त हो रहा है। आज एक्चुअली इतना थक गए ना हम लोग, हमारी जान ही नहीं बची है, बट स्टे अच्छा मिल गया है, मॉर्निंग शायद हम यूटिलाइज कर लेंगे। दिन में भी हम लोगों ने काफ़ी यूटिलाइजेशन किया है, थोड़ा 1 घंटा और पहले आते हम लोग, थोड़ा सा वही यूटिलाइज कर पाते, बट कोई ना, कल कर लेंगे।